हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आई एम शैलेश शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू लिस्ट ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। सो वी ऑल नो इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टिल Kolkata or West Bengal in the east. It has the coastline. So, to do the trade with rest of the countries, they need ports, because ports account for the 90% of the trade with other countries. Just a minute. See, this is the southern part of India. This will show you the eastern part and western part. See, this coast is the, this is your west coast. Here it is, here west coast in the Arabian Sea. Now this is your east coast, and east coast, the on eastern coast, the water body is the Bay of Bengal. So the ports that we are going to study in this video are classified as per the zone. There are two zones of ports in India. One is your west coast and the other is your east coast. There are several ports. Kakinada is there in Gujarat. This is the coastal, this is the coastal area. This one is the coastal area. Yeah. From up to Calcutta, Bangladesh start होने से पहले, this is the coastal area. So जो coastal areas जो zone divide किए गए हैं ports के लिए, वो हैं west और east coast. तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं जोन वाइज। तो पहले हम बात करेंगे ईस्ट कोस्ट के बारे में। तो सबसे पहला जिस पोर्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा, देखिए ईस्ट कोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ईस्ट कोस्ट पे जो पहला है दैट इज पोर्ट इज चेन्नई पोर्ट। ये कौन सी स्टेट में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। अब ये जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है, मींस नेचुरली मेड नहीं है ये, लोग ह्यूमन मेड है। तो आर्टिफिशियल पोर्ट है और इट इज़ द सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट। सब इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं लिख रहा हूँ आप लोग इसको नोट करते चले जाइए, सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी ऑफन कि आपको पास में सम क्वेश्चन आ जाए पढ़ा हुआ, लेकिन आपको उसके आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये इसी वजह से होता है, आप चीज़ें पढ़ते हैं फैक्ट्स, इसलिए फैक्ट्स हमेशा नोटबुक में नोट कर लिया कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको गो थ्रू हो जाएं। तो हम बात करते हैं चेन्नई पोर्ट की, जो कि तमिलनाडु में है, आर्टिफिशियल पोर्ट है और सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है। इसके बाद ईस्टर्न कोस्ट की ही बात करेंगे। तो ईस्टर्न कोस्ट का जो कोस्ट है दैट इज़ एन्नोर पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन देखिए स्टेट से भी पूछे जा सकते हैं कि तमिलनाडु में कितने पोर्ट हैं, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कौन सा पोर्ट किस स्टेट में लाई करता है। टोटल इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मिनिस्ट्री नहीं देखती इस पोर्ट को, कॉर्पोरेट पोर्ट है ये, पहला इंडिया का कॉर्पोरेट पोर्ट है एन्नोर पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में। बात करें हम लोग ईस्टर्न कोस्ट की, तो ईस्टर्न कोस्ट में ही हम दूसरा जो बात करेंगे वो करेंगे हल्दिया पोर्ट की। हल्दिया पोर्ट जो है कौन सी स्टेट में है? ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है, इसको डायमंड हार्बर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज डायमंड हार्बर। नोट कर लीजिए, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। और कौन किस रिवर पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड ऑन
हुगली रिवर, ये एक रिवराइन पोर्ट है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये भी आप रिवराइन पोर्ट कौन सा है, हल्दिया पोर्ट, कॉर्पोरेटाइज पोर्ट कौन सा है, एनोर पोर्ट, और आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, चेन्नई पोर्ट। तो अभी हमने ईस्टर्न कोस्ट के तीन पोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, अब हम आते हैं चौथे के बारे में। चौथा पोर्ट जो ईस्टर्न कोस्ट पे है वो है ट्यूटीकॉर्न इज अगेन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो ईस्टर्न कोस्ट पे है, मेजर पोर्ट है, साउथ इंडिया का मेजर पोर्ट ऑफ साउथ इंडिया, डील किस में करता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह में। देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही सस्ता पड़ता है ये तो, और 90% से ज़्यादा का जो इंडिया का ट्रेड है बाकी कंट्रीज़ के साथ में वो पोर्ट्स के साथ में ही होता है। अगर हम बात करें इनलैंड ट्रेड की, तो इनलैंड के लिए वाटरवेज़ हैं, और वाटरवेज़ का वीडियो मैंने एक बार पहले बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ट्यूटीकॉर्न पोर्ट जो है तमिलनाडु में, हम ईस्टर्न कोस्ट का चौथा पोर्ट है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पाँचवें की, पाँचवा पोर्ट है ईस्टर्न में ही पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट ये है उड़ीसा में। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अभी तक उड़ीसा का पहला पोर्ट आया है, इसको नेचुरल हार्बर भी कहते हैं, और आयरन और एल्यूमिनियम की एक्सपोर्ट से ये पोर्ट डील करता है। अभी तक हम लोगों ने पांच ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट पढ़ लिए हैं, अब हम बाकी के दो जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज योर विशाखापट्टनम, ये कौन सी स्टेट में है, ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट। खासियत क्या है इसकी, इट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अभी आरओ में आया था, व्हाट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है सबसे गहरा पोर्ट है। नाउ सेकंड इज इट डील्स विद द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन टू जापान, जापान को जो आयरन जाता है इसी पोर्ट से जाता है। बिल्डिंग की जो चीज़ें हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं वो भी इस पोर्ट से भेजी जाती हैं। बात कर लेंगे छठे पोर्ट की, ईस्टर्न कोस्ट का लास्ट पोर्ट है ये, पांच पोर्ट्स हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, नाम हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था चेन्नई पोर्ट, जिसे ये आर्टिफिशियल पोर्ट भी बोलते हैं, एनोर पोर्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, डायमंड हार्बर बोलते हैं, हुगली रिवर पे सिचुएटेड है, रिवराइन पोर्ट है एक, ट्यूटीकॉर्न जो कि तमिलनाडु में है, मेजर पोर्ट है साउथ इंडिया का, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, नेचुरल हार्बर, और साथ में एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन और एल्यूमिनियम का, विशाखापट्टनम एक डीपेस्ट पोर्ट है, इट डील्स विद द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन टू जापान। तो ये सब थे ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट। ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स के लिए मेरे पास आपके पास क्वेश्चंस हैं, एक तो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, नो ऑप्शंस आर विल बी गिवन, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट एंड द आर्टिफिशियल पोर्ट। साथ ही एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोर्ट्स
आर इन तमिल नाडु, या अगर मैं ईस्टर्न कोस्ट की बात करूँ तो विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो तमिलनाडु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स। और इन सारे क्वेश्चंस की जो आंसर हैं, ये चार क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेस्ट कोस्ट की। वेस्ट कोस्ट का जो पहला कि हम बात करते हैं वो करेंगे कोची। कोची किस स्टेट में है ये आप लोग अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो साइट है पोर्ट की, इट इज साइटेड इन वेम्बनाड लेक, ये इसका एक फीचर है। और दूसरा, इट इज़ फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड सॉल्ट। अब स्पाइसेस एंड सॉल्ट दे दिया है मैंने, तो आई थिंक इससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कोची किस स्टेट में है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे जल्दी से। इसके बाद हम दूसरे पोर्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पोर्ट जो है वेस्टर्न पोर्ट पे, वो है कांडला। ये पोर्ट डेवलप किया गया था आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि कराची का जो पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया था। नाउ इसके कुछ फीचर्स हैं, वो हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इट इज़ नोन एज टाइडल पोर्ट, एक्नॉलेज एज ट्रेड फ्री जोन, और लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ कार्गो इसी पोर्ट पे आता है, कांडला पोर्ट पे। कांडला लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो, कांडला जो है वो है अपने गुजरात में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पोर्ट की, जो वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है, और तीसरे पोर्ट का नाम है द पोर्ट ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर, बैंगलोर, तो इससे इसकी स्टेट का पता लग गया। जी हाँ, इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और इसका जो मेजर वो है कि इट डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। नाउ दिस इज फोर्थ इज मरमागो, पोर्ट ऑफ मरमागो। नाउ दिस इज़ इन द स्टेट ऑफ गोवा। देखिए ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट की हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दो से ज़्यादा पोर्ट किसी स्टेट में हों। तमिल ईस्टर्न कोस्ट में हम देखते हैं तमिलनाडु में तीन पोर्ट्स भी थे या चार पोर्ट, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मरमागो गोवा में है, मैंगलोर कर्नाटका में है। दूसरा, पांचवें पोर्ट की हम बात करते हैं तो वो है मुंबई। सबको पता है मुंबई किस स्टेट में है, मुंबई है महाराष्ट्र में। अब हम बात कर रहे थे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो इसके फीचर्स हैं, एक तो ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, और दूसरा इंडिया में सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। तो पूरे भारत में सबसे बिजीएस्ट पोर्ट कौन सा है, वो है मुंबई पोर्ट। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक पोर्ट और है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं, वो उसका नाम है नावा शेवा, यानी जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में है। इसकी जो फीचर है जो हम लोगों को याद करनी है, वो ये कि ये वाला जो पोर्ट है ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो पहला, सबसे पहला आर्टिफिशियल पोर्ट की अगर हम बात करें तो चेन्नई, और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है महाराष्ट्र में। अब
क्विज का टाइम, जिसमें मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। नंबर वन, हाउ मैनी पोर्ट्स आर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिल नाडु, एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा, मरमागो पारादीप क्यूटिकॉर्न कांडला। तो अब ये मैच किससे करने हैं, ये मैच करने हैं यहाँ पर गुजरात, ए पे गुजरात, बी पे उड़ीसा, सी पे गोवा और डी में तमिल नाडु। तो इसको मैच कर लीजिए और मुझे आंसर बता दीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, प्लस मैंने आपको पहले भी दिए थे, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।